हेलो स्टूडेंट्स, टुडे टॉपिक इज पॉली का अपोर्जन नियम और दूसरा है कुंज साहब का नियम। ठीक है, ये दो जो टॉपिक आज की हमारी है ये ही बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एग्जामिनेशन बेस्ड और किसी भी कंपटीशन बेस्ड टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमारी एवरी एग्जामिनेशन, प्रत्येक एग्जामिनेशन में इससे एक या दो नंबर की क्वेश्चन भी जरूर आते हैं। ठीक है, इसके लिए हम अब बात करते हैं ये नियम कौन सा है, ठीक है, और इनका सिद्धांत क्या है और इन्होंने क्या बताया एक दूसरे के बारे में। तो पहली टॉपिक जो हमारी है पॉली का अपवर्तन नियम। तो इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने बताया कि एक कक्षक में हो इलेक्ट्रॉन होता है, किसी कक्षा में मैंने इलेक्ट्रॉनों के विभाजन में बोरवरी साहब का नियम बताया, ठीक है, बोरवरी साहब का नियम बताया कि प्रत्येक कक्षा में 2n स्क्वायर से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। ठीक है, अगर आप उस वीडियो को ना देखे हो तो पहले आप उस वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्लियरली समझ में आएगा ये दोनों नियम और ये दोनों सिद्धांत। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं पॉली का अपवर्तन नियम जो था। ये किसी कक्षक में, कक्षक क्या होता है और कक्षा क्या होता है, या सब जिसको सेल बोलते हैं या सब सेल और ऑर्बिट किसको बोलते हैं, इसके बारे में हम पहले की वीडियो में बात कर चुके हैं। आपके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वीडियो। किसी कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है, रह सकते हैं, किसी कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन इस पे लागू होता है स्टूडेंट कि इसके जो चक्रण के इलेक्ट्रॉन के चक्रण की जो दिशा होती है ये एक दूसरे के विपरीत होती है। अब विपरीत होने का मतलब क्या है, दिमाग लगाओ, क्या विपरीत होने का मतलब, ये कि एक तो होगा क्लॉकवाइज और दूसरा होगा एंटी क्लॉकवाइज। अब किसको क्लॉकवाइज बोलते हैं और किसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, जो हमारा क्लॉकवाइज होता है, ठीक है, जो हमारा क्लॉकवाइज होता है, इसका क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की दिशा की, ठीक है, यानी घड़ी कैसे दौड़ता है, टिक 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 ऐसे दौड़ता है, टिक 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 ना। और एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमा दे उल्टा, टक 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 टक, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और क्लॉकवाइज ऋणात्मक और एंटी क्लॉकवाइज धनात्मक होता है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे इसके बाद। ठीक है, क्लॉकवाइज जो आघूर्ण होता है वो ऋणात्मक, एंटी क्लॉकवाइज आघूर्ण धनात्मक होता है। ये इलेक्ट्रॉनों के वितरण संबंधित कार्य करता है और जब इनमें कुछ आगे हम जाते हैं क्वांटम सिद्धांत में बात करते हैं ये सब, मतलब धनात्मक और ऋणात्मक कार्य करता है जब, इसके बारे में। ठीक है, तो पहले तो हम दो अब जान लिए कि पॉली का सिद्धांत क्या था, अब हम जानते हैं हुंड साहब का नियम। आए वो हुंड साहब का नियम, ठीक है, हुंड साहब ने क्या बताया, हुंड साहब ने बताया कि किसी भी उपकोष में इलेक्ट्रॉन का युग्म उसी समय प्रारंभ होता है, किसी भी उपकोष में जो इलेक्ट्रॉन का युग्म होता है, इलेक्ट्रॉन की युग्म का मतलब है इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, युग्म माने जोड़ा। ठीक है, मैंने बताया कि पॉली से मैंने क्या सीखा, पॉली से सीखा कि किसी भी कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं,
और उसके चक्रण की दिशा विपरीत होती है। ये पॉलिश से मैंने सीखा। अब हम हुंडे से क्या सीख रहे हैं, इसके बाद हम प्रत्येक लोगों से एक कुछ ना कुछ सीखते हैं, ठीक है, और बाद में निष्कर्ष आते हैं कि इनकी कमियां क्या है। अगर ये अपनी कमियों को दूर कर लें तो क्या एक अच्छे महान बन सकते हैं, ठीक है, और इनकी कमियों को उनसे कुछ प्राप्त किया इन्होंने, ठीक है। इन्होंने क्या बताया, किसी भी उपकोष में इलेक्ट्रॉन का युग्म केवल उसी समय प्रारंभ हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बनना उसी समय प्रारंभ होता है जब प्रत्येक कक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाए, ठीक है। अगर हम इस कंडीशन पर बात करें कि इसको थोड़ा उल्टा करके पढ़ते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है ना। जब तक कि इलेक्ट्रॉन का युग्म ना हो जाए, यानी प्रत्येक कक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन भर दें, फिर उसके बाद उसका जोड़ा बना दें, ठीक है। जैसे हमने बात किया एसपी, पी में छह इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब छह इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, पी कक्षक में छह इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है। और छह इलेक्ट्रॉन पहले एक एक को एक एक इलेक्ट्रॉन पूरे में भर दें, फिर जब तक लास्ट जो ना हो जाए फिर से दोबारा एक एक इलेक्ट्रॉन भर दें, यही उन्होंने बताया, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं आगे की, टॉपिक हमारी कंटिन्यू रहेगी कुछ इतनी समय कोरोना टाइम में कुछ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गया है, प्रॉब्लम की वजह से क्लास नहीं स्टार्ट हो पा रही थी, ठीक है। जैसे जैसे टाइम मिलता है तैसे क्लास को स्टार्ट करेंगे, और स्टे होम स्टे सेफ इसका जरूर पालन कीजिए, क्योंकि हमारे ये जो सेकेंड स्टेज है, सेकेंड स्टेज COVID-19 का सेकेंड स्टेज जो है, ये बेहद ही खतरनाक है और बेहद ही भयावह डरावना है, इसका जरूर पालन कीजिएगा। और साथ ही मुझको देख रहे हैं, मैं तो मास्क नहीं लगाया हूँ, लेकिन मैं अपने रूम में, अपने मेरे पास कोई नहीं है, ठीक है। और अगर मैं मास्क लगा लूँगा तो मैं बोलूँगा कैसे, मतलब साफ नहीं सुनाई देगा, इसलिए स्टे होम स्टे सेफ इसका जरूर पालन कीजिए। और हम आशा करते हैं कि जो अगली जो स्टेज आ रही है, स्टेज थ्री फेज थ्री, ये काफ़ी अच्छा महसूस होगा हमारे लिए। और गो ग्रीन प्लांट, ठीक है, हरे पौधे ज़रूर लगाएं और पौधों को लगाना ना भूलें, क्योंकि हमारे इंडिया में ऑक्सीजन की बहुत बेहद कमी हो रही है, तो आप कृपया करके जो पेड़ों की कटाई कर रहे हैं वो कटाई करो, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, अगली वीडियो जल्दी मिलते हैं आपसे, नमस्कार।